जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस हफ्ते में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे। महीने की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या नया आपके साथ होगा ये सारी बातें बताऊंगी। ये राशिफल लागू होगा 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, साथ में इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो आभास शक्ति मुझे प्राप्त है प्रभु कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, उसके द्वारा मैं आपको बताती हूँ। इसमें से बहुत सारी चीजें आपसे मेल खाएंगी, जो ना खाई समझ जाइए कि वो किसी और के लिए मैसेज है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप थोड़े रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वेल नीडेड रिलैक्सेशन था और आपको बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो आप इसको एंजॉय कीजिए क्योंकि रिलैक्सेशन का टाइम आपके लिए आ गया है। इस समय में आप थोड़ा सा आलसी होते दिखाई दे रहे हैं, एकदम लेटते हुए, आराम करते हुए, कुछ भी खाते हुए जो अच्छा लग रहा वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा वैसा समय रहेगा। धन की दृष्टि से बात करें तो धन आपका बैलेंस में रहेगा, खर्चे तो करेंगे आप इस समय लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस आपका फ्लरिश करता रहेगा, बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स आपको आ सकते हैं या ऑनलाइन आपको बहुत कस्टमर्स इस समय में रिसीव कर सकते हैं आप। अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जॉब रिलेटेड बात करें तो जॉब में आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, जो बहुत समय से आप चाह रहे थे या आपको पता ही नहीं था कि वहां पे वैकेंसी है, ऐसा कोई आपके साथ मैटर हो सकता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे या उसको आप रिसीव कर लेंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो वो अच्छा नहीं है इस हफ्ते में, थोड़ा सा दूरी रहेगी, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके ब्लॉक कर सकते हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, दोनों रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दोनों की तरफ से नेगेटिविटी आती दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर तो जैसे आप पे शक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शक और डाउट की सिचुएशन बनेगी, तो वो सबसे दूर आप थोड़ा सा अपने आप को अलूफ करते हुए दिखेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स के बीच में भी थोड़ी सी दूरी आ सकती है, थोड़ी निराशा हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, पार्टनर की कुछ और है, आप थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, पार्टनर को समय नहीं देंगे, इस बात से वो उनकी नाराज़गी जो है वो इस समय में रहेगी। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े डिप्रेस्ड इस समय में रह सकते हैं, उसका थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। बहुत से नास्तिक कहते हैं कि इस कलयुग की दुनिया में चमत्कार होना मुश्किल है, लेकिन सिद्ध दरबार उन्हीं सभी लोगों को जवाब देता है, उन सभी लोगों को बताता है कि आज भी जीवन में चमत्कार संभव है। ऐसे ही जब लोग हमारा राशिफल देखते हैं या हमसे मिलने आते हैं, जब हम उनको बातें बताते हैं, तो क्या वो कहते हैं इसे जानते हैं, फिर आगे का राशिफल आपका सुनेंगे। जय शनिदेव, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। वैसे मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ मैं खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ, रूम रेंट पे अपने भाई लोग के साथ। मैंने यहाँ दरबार में हाज लगाया था, जैसे कि मुझे भी पूजा की हो, ज्यादा दिन नहीं हो, जैसे गुरु माँ ने बताया था मुझे लगभग 8 दिन में, 8 दिन में मैंने जिस चीज के लिए अर्जी लगाया था मुझे उसमें से बहुत बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मैंने अपने पापा के लिए अर्जी लगाया था, मेरे पापा को कोई अच्छी जगह जॉब मिली, और दूसरा मैं जिससे बात करना चाहती थी उससे उससे झगड़े हो गए, तो मैं उनसे भी बात की, तो उनसे मेरा फोन उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और दूसरा कि मैं जितने दिन भर सोती रहती थी, मैं पहले दिन भर सोती रहती थी, ये बहुत सारी मतलब निगेटिव बातें आती थी, अब मुझे इतनी चीजें ना कि जो चीज करना है वो चीज करना ही, मैं उस फाइनली उस चीज को कर रही हूँ। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में अच्छा रहेगा, कुछ स्पेशल न्यूज आपको आ सकती है जिससे सब लोगों की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाएंगी, कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया कोई न्यूज आपके लिए आती फैमिली में दिखाई दे रही है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है और खासकर उसकी रीजन कोई फीमेल है, तो वो डिस्प्यूट आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपका मैरिज जो है वो डिवोर्स में चल रहा है, या आपका आपस में रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, या कोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहाँ काउंसलिंग चल रही है, या एक दूसरे में रिश्तेदार जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पेशली लड़की वालों की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है।
कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है इस समय में। अगर आप खुद ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो फिर तो हॉस्पिटल के चक्कर आपके ज्यादा ही लगेंगे या ज्यादा समय आप हॉस्पिटल में व्यतीत करेंगे। लेकिन आप किसी के लिए, मतलब अपने लिए नहीं जा रहे, किसी और के लिए जा रहे हैं, अपने नियर डियर फैमिली के लिए भी नहीं जा रहे हैं, किसी थोड़ा दूरी दूर के या तो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड हैं या कोई नोन है उनके लिए थोड़े हॉस्पिटल के चक्कर इस समय में आपके लग सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन जो है उसमें आप काफी मल्टी टैलेंटेड इस समय हो सकते हैं। आपका बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करने का इच्छा रहेगा, आप एक मैनेजमेंट में आएंगे कैसे करना है, और अपने ऊपर काफी प्राउड भी फील करेंगे तो वो अच्छा है। मदर से भी बहुत कॉपरेशन मिलेगा, वो आपका बहुत हेल्प करेंगी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो मदर उनका केयर करते हुए, सर दबाते हुए, सर में उनके तेल डालते हुए ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, तो एजुकेशन में मदर का सपोर्ट इस समय में काफी आपको मिलेगा। हेल्थ की बात करें तो बस थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा किसी ऐसी नेगेटिव जगह जाने से थोड़ा बचिएगा। जैसे हॉस्पिटल बताया है वहाँ पे थोड़ा मास्क वगैरह लगा के जाएंगे, थोड़ा मतलब वहाँ किसी और से आपको कोई जो रोग है, डिजीज है वो हो सकता है, उसको थोड़ा सा मेजर में लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय में काफी लोग मंदिर भी जा सकते हैं, अपने इष्ट के मंदिर, खासकर विष्णु भगवान के मंदिर या उनके अवतार जो हैं उनके मंदिर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं काफी सारे लोग। अच्छा समय है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको एंजॉय कीजिए। यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु से आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।